बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन की फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज जल्दी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के लिए तैयार है। ये फिल्म अपने बोल्ड कंटेंट को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई है, लिहाजा सेंसर बोर्ड ने भी इस फिल्म पर 48 कट लगा दिए थे। लेकिन अब इस फिल्म के डायरेक्टर कुशान नंदी भी चित्रांगदा के चलते सुर्खियों में छा गए हैं। आप सोच तो जरूर रहे होंगे कि ऐसा भी क्या हो गया, तो चलिए बताते हैं आपको। अरे भाई, ये तो आप जानते ही हैं कि इस फिल्म में पहले नवाज के ऑपोजिट चित्रांगदा को कास्ट किया गया था, लेकिन मैडम चित्रांगदा ने फिल्म में नवाज के साथ इंटीमेट सीन करने से मना कर फिल्म को बीच में ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से डायरेक्टर कुशान नंदी को चित्रांगदा की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वहीं हाल ही में एक बातचीत में कुशान नंदी ने चित्रांगदा को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे सुनकर चित्रांगदा के भी होश उड़ जाएंगे। कुशान नंदी ने कहा, मुझे इस बात को सुनकर झटका लगा था जैसा चित्रांगना ने मेरे बारे में कहा। मैंने इस तरह से कभी उनसे बात नहीं की थी, ये मेरे ऊपर निजी हमला था। पीछे ना जाते हुए मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि फिल्म छोड़ने के लिए अतरंग सीन चित्रांगना के लिए फिल्म छोड़ने का केवल एक बहाना था। जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमारे बीच कई विवाद थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में चर्चा करने का कोई फायदा है। मैं किसी को बीच में नहीं घसीटना चाहता, मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं भविष्य में कभी भी चित्रांगना के साथ काम नहीं करूंगा। तो सुना आपने कैसे चित्रांगदा पर बरस रहे कुशान नंदी? वेल, अभी देखना दिलचस्प रहेगा कि इस पर चित्रांगदा का क्या रिएक्शन आता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।